वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑन इंदरिंग फ्रॉलिक तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं वॉट इज एनालिटिक फंक्शन एंड व्हाट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी एनालिटिक राइट तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगी और इसके ऊपर एक सम भी सॉल्व करेगी जिससे कि आपका एक कंसेप्ट जो भी होगा एनालिटिक फंक्शन का वो क्लियर होगा और इसके आगे वाली वीडियोस में हम इसके ऊपर और सम सॉल्व करेंगे राइट right? तो आपको बस ये वीडियो लास्ट तक देखने का ये कंसेप्ट समझने के लिए तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अभी तो फंक्शन एनालिटिक होने के लिए फ्यू नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन है वो हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप तो पहला कंडीशन है जो भी हमारा फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस एंड डिफ्रेंशियल होना चाहिए एवरी पॉइंट इन द डोमेन तो जो भी डोमेन होगा उसके हर एक पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए राइट कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियल होना चाहिए तो अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम देखा था जेड इक्वल टू टू प्लस थ्री आए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है राइट right? तो यहाँ पे टू एंड थ्री कॉन्स्टेंट है राइट right? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है अब ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल मतलब क्या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी राइट तो जैसे जैसे ये यू का वैल्यू चेंज होता जाएगा जैसे और v का वैल्यू चेंज होता जाएगा तो ये z का भी वैल्यू चेंज होता जाएगा राइट तो ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स है u एंड v आर वेरिएबल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो जैसे जैसे हम इसके वैल्यूज चेंज करते जाएंगे तो ये एफ ऑफ जेड का भी वैल्यू चेंज होता जाएगा राइट तो ये डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में तो यहाँ पे फर्स्ट uh, कंडीशन है फंक्शन शुड बी कंटीन्यूस एंड डिफ्रेंशियल तो सेकंड कंडीशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है राइट इसी के ऊपर बेस्ट सम हो गए आगे फंक्शन इल एन एलटिक इफ इट सेटिस्फाई कौशिरेमन इक्वेशन तो फंक्शन एन एटिकौशन इक्वेशन वो सेटिस्फाई करता है अभी ये कौशरेमन इक्वेशन क्या है वो देखते हैं एफ ऑफ जेड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यू प्लस आई वी जहाँ पे यू होता है रियल पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ जेड और वी होता है इमेनरी पार्ट ऑफ फंक्शन ऑफ जेड तो इनके पार्शियल डेटिव पार्शियल डेट ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू होना चाहिए पार्शियल डेट ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू वाई ये फर्स्ट कंडीशन है बाद में सेकेंड है इक्वेशन पार्सल डेट ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू होना चाहिए माइनस ऑफ पार्सल डेट ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स राइट तो ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो कौशरमन इक्वेशन सेटिस्फाई करता है मतलब ये फंक्शन है आई एल टी के राइट इतना दया हमें रखने का बाद में थर्ड कंडीशन है जो भी हम ये पार्सल डेट निकालेंगे उसका कुछ फंक्शन होगा वो आइधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा अल्जेब्रिक फंक्शन होगा कुछ भी होगा एक्सपोनल फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होना चाहिए राइट तो पार्शियल डेटिव ऑफ डेबा यू बाई डेवा एक्स डेबा यू बाय डेबा वाई डेबा वी बाय डेवा एक्स और डेबा वी बाय डेबा वाई ये शुल भी कंटिन्यूस होना चाहिए राइट तो और ये लास्ट प्रॉपर्टी है एंटिक फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एस होलोमॉर्फिक रेगुलर और मोनोजेनिक फंक्शन तो आपको ये ध्यान में रखने का एम सी क्यू में कहाँ पर भी ये पूछ सकते हैं एल्टिक फंक्शन के और एक दूसरे नाम के है तो होलोमॉर्फिक फंक्शन रेगुलर फंक्शन और मोनोजिक फंक्शन भी कहा सकता है राइट तो ये दो जो कंडीशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीन कंडीशन फंक्शन शुड बी एनल्टिक इफ इट सेटिस्फाई कौशि एम इक्वेशन बाद में पार्शियल रिलेटिव शुड बी कंटिन्यूअस राइट तो अभी इसके ऊपर एक देखते हैं सम जिससे आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बोला हमें डिटरमाइंड वेदर द फंक्शन वन अपॉन जेड इज एनालिटिक और नॉट तो ये फंक्शन दिया है वन अपॉन जेड ये एनालिटिक है कि नहीं ये हमें प्रूव करने गए राइट right? तो अभी यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पे एफ ऑफ जेड इक्वल टू वन अपॉन जेड राइट right? तो अभी यहाँ पे पार्शियल डेटिव लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई राइट तो सबसे पहले ये जो जेड है उसे हम रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट में स्लिटअप करेंगे तो ही आगे हम बढ़ पाएंगे तो उसके लिए क्या करेंगे अभी ये जेड को लिखेंगे एक्स प्लस आई वाई जैसे कि हमें पता है कार्टिशियम फॉर्मेट में जेड को लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई बाद में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे लिख सकते हैं ई रेस टू आई थीटा राइट तो ये आपको ध्यान में रखने का है तो एफ ऑफ जेड हो गया वन अपॉन एक्स प्लस आई वाई राइट तो इसे अभी एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई टाइम्स वी इस तरह से ये फॉर्मेट में लिखने गए तो उसके लिए क्या करेंगे अभी यहाँ पे इसके लिए इसका कॉन्जुगेट से इसके मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये फंक्शन क्या बनेगा अभी देखते हैं वन अपॉन एक्स प्लस वाई वाई इन टू एक्स माइनस आई वाई ये मल्टीप्लाई किया ऊपर और ये नीचे डिवाइड किया राइट right? तो ये ऊपर फंक्शन बनेगा एक्स माइनस आई वाई और डिनोमेटर में ये ए प्लस बी है ये पूरा टर्म बी है ये पूरा टर्म, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो उसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर राइट अब यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे एक्स माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर जैसे कि आपको पता है आई का वैल्यू होता है माइनस वन तो वो माइनस वन और ये माइनस वन क्या होगा प्लस तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ जेड तो अभी इस टर्म को सेपरेट करेंगे रियल टर्म रियल पार्ट एंड इनमें इमेजनरी इन्हें, पार्ट में तो हमें मिलेगा एफ ऑफ जेड इक्वल टू एक्स अपन एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर और सेकेंड टर्म बनेगा माइनस वाई अपन वाई अपोन एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ये जो टर्म है ये है यू टर्म और ये जो टर्म है माइनस के साथ ये है वी राइट तो हम सेपरेटली लिखेंगे अभी यहाँ पे तो यहाँ पे यू टर्म क्या मिला है अभी देखते हैं हमें टर्म मिला हमें एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे वी का वैल्यू मिला हमें माइनस वाई अपॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर राइट अब यहाँ पे सी आर इक्वेशन हम सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं ये फंक्शन देखते तो सी आर इक्वेशन क्या है डेवा यू बाय डेवाय एक्स इक्वल टू होना चाहिए डेबा वी बाय डेवा वाई के और डेवा यू बाई डेवा वाई इक्वल टू होना चाहिए माइनस के डेवा वी बाय डे एक्स तो सबसे पहले ये यू वी के पार्शियल डेरेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे इन द सेम वे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकालेंगे तो सबसे पहले यू का निकलते हैं तो डे बाई यू बाई डे बाई एक्स निकालेंगे गे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो यहाँ पे यू बाई वी का फार्मूला लगेगा डेरेटिव ऑफ यू बाई वी तो फार्मूला है वी डेरेटिव ऑफ यू एक्स का डेरेटिव वन माइनस यू डेरेटिव ऑफ वी तो डेरेटिव ऑफ वी होगा टू एक्स अपॉन वी स्क्वेर तो ये होगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर तो ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायेयर और डिनोमीटर में बनेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर तो और सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये द होल स्क्वायेयर तो ये जो वैल्यू मिला है हमें ये है dy यू बाई एक्स का वैल्यू तो इक्वेशन नंबर इन द सेम वे अभी वाई भी निकालेगी यहाँ पे तो डे फंक्शन तो है इसका पार्शियल डेरेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालेगी तो एक्स कॉन्स्टेंट है तो बाहर एज इट इज बाद में इसका डेटिव तो ये यह तो यहाँ पे डेरेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स होगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क् माइनस वन अपॉन एक्स स्क् और चेन रूल से अगेन टेक द डायरेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो इसका डायरेटिव होगा एक्स स्क्र कॉन्स्टेंट है तो वाई स्क्वायर का डेरेटिव टू वाई राइट तो ये जो फंक्शन मिलेगा ये माइनस टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर तो ये जो वैल्यू मिला है ये डेवाई यू बाय डेवाई का तो ये सेकेंड इक्वेशन राइट इन द सेम वे अभी ये पे ये वी फंक्शन का भी निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरेटिव पार्शली तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई ये माइनस वाई कॉन्स्टेंट और इसका डेरेटिव डेरेटिव ऑफ वन अपॉन एक्स होगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्न डेरेटिव ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये बनेगा टू एक्स तो ये बनेगा माइनस ये माइनस माइनस प्लस टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर तो ये जो वैल्यू है ये है डेवा वी बाय डेवा एक्स का तो इसको नाम देखे इक्वेशन नंबर थ्री इन द सेम वे यहाँ पे निकलेगी डेबा वी बाय डेबा वाई तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई ये माइनस आउटसाइड और यहाँ पे यू बाई वी का फॉर्मूला लगेगा तो राइट right? तो यहाँ पे लिखेगी वी डे ऑफ वाई वन माइनस वाई इन टू डे डी ऑफ एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई टू वाई और यहाँ पे डिनोमीटर में एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायेर राइट तो ये सिंप्लीफाई करेगी माइनस एज इट इज एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायेर राइट तो ये बनेगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायेर अब यहाँ पर ये क्या करेगी ये माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करेगी तो ये साइन चेंज हो जाएगी तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा ये फंक्शन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे द होल स्क्वायर राइट तो ये जो वैल्यू है ये है डेबा वी बाय डेबा वाई तो इसको नाम देंगे फोर्थ इक्वेशन तो अभी सी आर इक्वेशन क्या होते हैं सी आर इक्वेशन डेबा यू बाय डे बास इक्वल टू होना चाहिए डेवा वी बाय डेबा वाई के तो अब देखते डेवा यू बाय डेबा एक्स का वैल्यू था यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायेयर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर और यहाँ पे डेबा वी बाय डेबा वाई तो डेवा वी बाय डेबा वाई का भी वैल्यू सेम है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायेर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ये दोनों इक्वेशन सेम है यहाँ पे राइट तो इसलिए ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई एंड डेवा यू बाय डेवा वाई इक्वल टू होना चाहिए माइनस ऑफ डेवा वी बाय डेवा एक्स तो डे डेबा यू बाय डेबा वाई इसका वैल्यू है माइनस टू एक्स वाई अपॉन एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर राइट और यहाँ पे माइनस होना चाहिए डे डेबा वी बाय डे बाय एक्स के तो यहाँ डे डेबा वी बाय डे वाई एक्स के है प्लस टू एक्स वाई अपॉन एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर तो इन दोनों का साइन ऑपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड जो पार्ट होगा टू एक्स वाई अपॉन एक्सक्वायर प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर ये सेम है तो ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है मतलब ये सी आर इक्वेशन को फॉलो कर रहा है और ये फंक्शन है एन एल टी के राइट तो और एक कंडीशन थी एनालिटिक के लिए वो क्या थी कि पार्शियल डेरेटिव जो भी हो गए ये चार शुड बी कंटिन्यूअस तो जैसे कि हमें पता है ये जो टर्म्स है एक्सक्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वायर द होल स्क्वायर ये सब टर्म है ये अल्जेब्रिक फंक्शन है तो अल्जेब्रिक फंक्शन कभी भी कंटिन्यूस ही होते तो ये आपको ध्यान में रखने गए तो दोनों भी कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशंट कंडीशन है राइट तो सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे इसलिए हम कह सकते हैं ये जो फंक्शन है फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक राइट तो ये हमने प्रूव किया फंक्शन एनालिटिक है क्योंकि यहाँ पे हमने चेक किया सबसे पहले ये सी आर इक्वेशन को फॉलो करते है कि नहीं बाद में हमने चेक किया ये कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन शुड बी कंटिन्यूस तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे मतलब ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक है राइट right? तो इसके आगे वाले वीडियो में हम इसके ऊपर और सम सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ थैंक यू